हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये मेरा आगरा का लास्ट व्लॉग है जो मैं पोस्ट कर रही हूँ बहुत लेट, क्योंकि एडिट नहीं कर पाए थे। और ये हम आगरा का पेठा ले रहे थे, बट प्लीज़ आगरा से पेठा मत लेना। ये पेठा कहीं पर भी मिल जाएगा, पंछी पेठा, बट आगरा से मत मिला, बहुत ही महंगा देते हैं। एंड देन इसके बाद हम पहुँचे थे अकबर स्टोम, अकबर के मकबरे पे। और यहाँ आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा सा मकबरा है। एंड यहाँ कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कांच महल है, कांच महल जहांगीर ने बनवाया था। कहा जाता है कि पहले से हरम कहा जाता था, क्योंकि ये लेडीज़ यूज़ करती थी, लेकिन बाद में इसे शिकारगाह भी कहा जाने लगा, क्योंकि आसपास जंगल थे और जब भी जहांगीर शिकार करने आते थे तो यहीं पर ठहरते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे दो दरवाज़े हैं, एक सामने से और एक उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है। और बिल्कुल मतलब हवादार महल है ये। और सामने आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा सा पूरा जंगल यहाँ पर हुआ करता था, जिस तरीके से आप गार्डन देख रहे हो, ये कभी एक ज़माने में बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। ये बैक साइड है, देखो बैक साइड से भी पूरा दिख रहा है, लेकिन आगे से ये कांच महल बहुत सुंदर। इसके थोड़ा सा आगे जब आप आओगे तो आपको ये लोधी मकबरा दिखाई देगा। ये लोधी राजवंश का है और ये सबसे पहला है जो आपको नज़र आएगा, लेकिन अब ये एकदम खंडहर सा हो गया है, इसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये जो जाल सा देख रहे हो ना, ये पता नहीं क्या है, गुफा टाइप की बनी हुई है जिस पर जाल लगा करके बंद कर दिया गया है। इसका मैंने बहुत जानने की कोशिश की, वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा था कि कुछ पता चल पाए कि ये क्या है। गूगल पर भी मैं सर्च कर रही थी, बट मुझे इतना कुछ मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड देन इसके बाद हम पहुँचे फाइनली अकबर के मकबरा। ये जो पूरा है सिकंदरा, ये बहुत बड़ा है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं घूमने वाली, आपको ज़रूर से जाना चाहिए। देन ये अकबर का मकबरा है, इसे देखो कितना खूबसूरत। तो गाइज़, ये जो बड़ा सा गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे जहांगीरी गेट कहा जाता है, क्योंकि अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने अपनी मौत से पहले ही शुरू कर दिया था। सोचो, अपने मरने से पहले ही उसने अपने लिए ये मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था, एंड देन इसे कम्प्लीट जहांगीर ने करवाया। और अगर आप ये अंदर आओगे तो देखो कितनी खूबसूरत नक्काशी है, इतनी खूबसूरत नक्काशी मुग़ल एम्पायर के दौरान हुआ करती थी। अब देखो किस तरीके की कलाकारी की गई। यानी तो जब आप इसे थोड़ा सा आगे जाओगे और सामने आपको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाएगा, इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको इसमें अकबर की कब्र, उनकी जो ख़ास वाइफ्स थी, ख़ास बेगम्स, जैसे रुकैया बेगम, जोधा बेगम, उन सबकी यहाँ पर कब्र दिखाई। अब जब आप अंदर जाओगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ इसके अंदर जाकर अकबर की कब्र है, बट यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हो, ये है महान बादशाह अकबर की कब्र, क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बाहर से दूसरे चैनल से ये फ़ोटो लेकर के दिखाई है। यहाँ पर बहुत अच्छे से अजान भी दी जाती है, लेकिन यू कैन नॉट यूज़ योर फ़ोन। आई विश यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड होती और मैं दिखा पाती, बट स्टिल आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।